आत्मा बुद्धि से मिलकर एक स्पंदन उठाई, उस स्पंदन मन के द्वारा चला, वो मन शरीर के अग्नि के द्वारा वाणी के रूप में उठा, फिर वह वाणी हवा के सहाय से वो बाहर प्रकट हुई। कैसे एक विचार शब्द वाणी के रूप में प्रकट होता है। आत्मा बुद्धिया समेत युक्ता, आत्मा और बुद्धि का संयोजन से विचार का उत्पन्न। वो विचार कहाँ से उठा? फिर आत्मा से, बुद्धि से उठी, और वह चेतना नहीं है, वह आत्मा कहाँ से? तो जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं दुनिया में, संशोधन हुए हैं, वे सब आत्मा से ही आए, परमात्मा से ही आए।